और भाई बहुत लोगों को पता नहीं है भाई राजदूत किस चिड़िया का नाम है, सो भाई सही है ना? रुक जा, 1 2 3 सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ द राजदूत 175। और भाई आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि राजदूत 175 किस चिड़िया का नाम है। सो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि राजदूत 175 की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये गाड़ी आई हुई है, किसने बनाई है, किसने बेची है, सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है इस वीडियो पर। सो बने रहिए इस वीडियो पर और शुरू करो। 1 2 3 सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज द राजदूत 175। आ रहा है क्या फ्रेम? 1 2 3 सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज द राजदूत 175। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा राजदूत 175 किस चिड़िया का नाम है। सो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं राजदूत 175 किसने बनाई, कहां से आई, किसने बेची। सो बने रहिए इस वीडियो में, आपको बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। और चलिए तो भाई समय की शुरुआत 1930 से होती है। 1930 में DKW ने 125cc की RT125 नाम की एक मोटरसाइकिल मार्केट में उतारी थी। RT125 से इंस्पायर्ड होकर भाई राजदूत 175 बनी हुई है। हिस्ट्री बताते हैं इसकी, थोड़ा बात अलग हिस्ट्री बताते हैं भाई इसकी। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। हिस्ट्री बताते हैं भाई इसकी। हिस्ट्री में ये है कि जर्मनी में 1930 पे DKW मोटर्स ने गाड़ी बनाई थी। उसके बाद जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, ठीक है, हाँ इसमें बहुत जल्दी नहीं हो गया, हार गया। सो भाई हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1930 से, जब DKW नामक कंपनी ने जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के पहले DKW नाम की कंपनी, वर्ल्ड वॉर के पहले RT, दो बार बोल दिया अबे, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी? वर्ल्ड पर जाकर सो हिस्ट्री की शुरुआत होती है भाई 1930 से, जब जर्मनी में ये गाड़ी पोलैंड, भाई क्या है, पोलैंड यूरोपियन कंट्री ने इसका डिज़ाइन एक्वायर किया पोलैंड में, जिसका नाम था SHL के नाम से, उन्होंने एस रुक जाएगा। भाई DKW ने RT125 और RT200 को लॉन्च किया, जिसमें से ये वाला इंजन जो है वो RT125 का है। सो 125 का नहीं है, मतलब इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया था, 125 की तो गाड़ी नहीं है भाई ये। सो हुआ क्या, अब आपको फ्रेंड कैसे बताते हैं, जर्मनी के वर्ल्ड वॉर हारने के बाद में यूरोपियन कंट्री पोलैंड को इसका डिज़ाइन चला गया, क्योंकि जर्मनी को बहुत सारे डिज़ाइन अपने बेचने थे कवर करने के लिए अपना नुकसान, अपना वर्ल्ड वॉर का नुकसान कवर करने के लिए उसको डिज़ाइन बेचने पड़े थे अपनी शहर की कंपनियों के। सो वो डिज़ाइन चला गया पोलैंड में SHL नाम की कंपनी ने उस डिज़ाइन को उठा के SHL M11 बनाई। भाई SHL M11 काफ़ी जानी मानी मोटरसाइकिल है, और उसके बाद लेट मेरे ख्याल से 1962 की बात रही होगी, 1962 में क्या हुआ छोटू, क्या हाल है, 1962 में, और जो पोलैंड वाली गाड़ी थी आपकी SHL M11, उसको राजदूत के नाम से इंडिया में एस्कॉर्ट ने बुलाया। एस्कॉर्ट क्या थी, एस्कॉर्ट और यामहा का मेंबरशिप जानते ही होंगे, जिसमें आपको RX 100 आपको मिली थी। सो वो भी आते हैं उस पर, अब उसकी बात कर लेते हैं ना। जावा का दशक चल रहा था, बुलेट काफ़ी हैवी हुआ करती थी और जावा भी काफ़ी हैवी हुआ करती थी। हुआ क्या, 168 किलो की
आपकी रॉयल एनफील्ड बुलेट पड़ती थी 148 kg की, आपकी जावा की 250 cc की गाड़ियाँ पड़ती थी उसका मैं पे। गाड़ियाँ बहुत हैवी हुआ करती थी, लोगों को चाहिए थी लोगों को चाहिए थी एक हल्की लोगों को चाहिए थी एक हल्की किफ़ायती सस्ती टिकाऊ मोटरसाइकिल जो कि ये है भाई। 250 cc के नीचे का कोई इंजन तब तक मार्केट में नहीं आया हुआ था। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि और कंटेंट आपको मिले और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। सो इसी नोट के साथ करते हैं उस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।